हेलो गाइस, तो वेलकम इन आवर चैनल। जैसा कि मैं आज आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया, जो कि आपके टोटल क्वेश्चन है आपके संविधान से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड गाइस, यह आपका एक पीडीएफ टाइप में क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है, ठीक है, आंसर विद है। और जितने भी संविधान में क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, उसी से रिलेटेड ओनली क्वेश्चन है, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 39 या 49। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आपको 39 में है, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। जय तो श्री बता दूँ राम। मैं सभी को कि कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ है, ठीक है, याद रखिएगा। लोग 450 बोलते हैं ना, 450 प्लस, नहीं वो आर्टिकल नहीं है, वो आप किससे की होते हैं ना आर्टिकल, जैसे कि 19 में क हो गया, ख हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, उस सब को मिलाकर होता है, ठीक है। ऐसे 395 मेन आर्टिकल है, ठीक है। अब आ जाते हैं, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ हैं, देखिए उसके अनुसार ले लिया तो टोटल है, उसके अनुसार भी जान लीजिए, वो सबको मिलाकर यदि पूछ सकते हैं ऐसे भी गणना की दृष्टि से, तो 448 अनुच्छेद। अनुसूचिया तो पहले गाइज 8 थी, अब अनुसूचिया कितनी होगी, 12, ठीक है। 448 आर्टिकल और 12 अनुसूचिया, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, आर्टिकल 49 या आर्टिकल 51 का ये। तो मौलिक कर्तव्य पता है, जैसे कि मौलिक अधिकार आपके टोटल कितना है, 6 हैं, ठीक है, उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य भी होते हैं, जो कि आपको 51A के में बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, 42वीं संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 29 का बी। तो आपके 42वें संविधान द्वारा संशोधन मौलिक कर्तव्य को आपके अनुच्छेद 51 के ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, अनुच्छेद 33 से 46 या 36 से 51। तो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आपके आर्टिकल यानी कि स्टेट रिलेटेड आपको 36 से 51 तक, ठीक है, आर्टिकल में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आपको अनुच्छेद 39 के 49 में, तो आपके अनुच्छेद 39 में वर्णित है, ठीक है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, याद रखिएगा, सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन निर्देश कहता है, यानी ग्राम पंचायत से जब बोलेगा रिलेटेड, तो आर्टिकल 32 की 40, तो आपके होता है आर्टिकल 40 में, ठीक है ना। और गाइज मैं बता दूं कि ग्राम पंचायत जो है, जो ऑप्शन है ई आर्टिकल 32, इसको क्या कहते हैं, इनको संविधान ने, संविधान की आत्मा कहते हैं 32 को। और कौन ये बोले हैं, तो ये बोले हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो आर्टिकल 32 है ना, इसके अंतर्गत डायरेक्ट आदमी जो भी है आम व्यक्ति पब्लिक है, डायरेक्ट जा सकता है हाई कोर्ट में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान, सॉरी गाइस, नीचे आगे आते हैं, कहाँ था, नागरिकता 9 नंबर था आई थिंक। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितना है, तो आपको धारा को क्या बोलते हैं, अनुच्छेद भी, कभी देखिए कन्फ्यूज में धारा यदि बोलेगा तो 395। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 या आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, 1 से 4 है ना, भाग 1 में। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो राज्यों का संघ या परिसंघ, तो राज्यों का संघ कहते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान है, बताइए, नागरिकता यानी कि 5 से 11 या 1 से 5। तो अनुच्छेद 5 से 11 जो है आपके किस में है, तो इसी में है, ठीक है। तो आपके अनुच्छेद 5 से 11 की 1 से 5, तो 5 से 11 में है, ठीक है ना, भारतीय संविधान की नागरिकता, ठीक है। और ये 1 से 5 क्या है गाइस, 1 से 5 है राज्यों का संघ, और 36 से कौन क्या है, राज्य का नीति निर्देशक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अब आते हैं निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों का मूल अधिकार निषेध प्रदान करता है। तो संविधान नागरिकों को मूल अधिकार यानी कि जितना भी अधिकार है ना, सब बोलने का अधिकार, धर्म अपनाने का अधिकार, तो अनुच्छेद 12 से 35 है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 16 की 14, यानी कि जितने भी, जैसे कि हम लोग हैं ना, सभी को नौकरी दे, मतलब कि नौकरी लेने का अधिकार है, एग्जाम देने का अधिकार है, तो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो 16 के। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करते किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है, यानी कि आर्टिकल 15 या 17। तो गाइज मैं बता दूं कि जैसे कि छुआछूत है ना, उसको दूर करने के लिए या छुआछूत के ना हो, वो कौन सा आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 17 में। ठीक है, अब आते हैं 16 क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन यानी राष्ट्रपति पद का दूसरा बार फिर से निर्वाचन करना की योग्यता करना है, तो किस आर्टिकल में होगा, तो 57 में। ठीक है, आर्टिकल 57 याद रखिएगा। अब 52 में किसका, राष्ट्रपति से रिलेटेड है ही, राष्ट्रपति का पद। ठीक है, और यदि बोलेगा गाइस प्रधानमंत्री का पद, तो 74 में। ठीक है, अब नेक्स्ट है, कौन अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा प्रदान करता है। बताए थे ना, कहीं भी डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में जा सकते हो मौलिक अधिकार के लिए, आपका अधिकार है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है, व्यवस्था है, अनुच्छेद 29 या 32। तो अनुच्छेद 29 में, यानी कि अल्पसंख्यक यानी कि जो कम होते हैं ना, लेकिन उनका भी संरक्षण करना चाहिए, उनका भी सब कुछ लाभ है, उनको भी हक है, अल्पसंख्यक जो होते हैं जैसे कि आदिवासियों के, तो उनको भी हर चीज़ का है अधिकार, तो 29 के अकॉर्डिंग। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा है, बच्चों के शोषण से बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है ना, आर्टिकल 23 की 24, तो बहुत कन्फ्यूजन रहते, तो आर्टिकल 24 होगा। ठीक है, याद रखिए हमेशा। अब अल्पसंख्यक बोलेगा तो 29। ठीक है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई यानी कि बोलने की था है, तो बोलने का अधिकार 19 का 1 है। ठीक है, 21 में ये तो क्या है आपका भी अधिकार, अनुच्छेद 25 क्या है, अनुच्छेद 25 से 28 आपका है धर्म से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि धर्म की आज़ादी जो है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद की व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र को भीतरी भीतर सही न्यायालयों पर आबंध होगी, अनुच्छेद 141 की 42, तो अनुच्छेद 141। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई जिसके आधार है अनुच्छेद 32 की 13, अनुच्छेद 32। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद से अंतर्गत बदनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 233 की 231, तो अनुच्छेद 233। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान कालिपाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान की गई है, अनुच्छेद 245 की अनुच्छेद 326, तो अनुच्छेद 245। ठीक है, यानी कि संवैधानिक प्रावधान की संघीय शासन यानी कि सांसद हो या राज्य विधान पालिका हो द्वारा बनाए गए जो नियम है ना, उनको पर ये सब जितना भी है, संसद का नियम हो गया, विधान सभा का हो गया, ठीक है ना, तो यह नियम कि जो दी गई है प्राथमिकता किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो 235 यानी कि अनुच्छेद 245 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आते हैं 25 क्वेश्चन में, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इनका प्रयोग स्वयं अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा, यानी कि कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है, राष्ट्रपति में। यही गाइज रहता है आपको, न्याय दो होता है, कार्यपालिका होता है न्यायपालिका होता है, तो कार्यपालिका में आपका होता है राष्ट्रपति का, ठीक है ना, और न्यायपालिका में होता है उस राष्ट्रपति का। ठीक है, तो अपने अधिकारी के द्वारा करेगा, शक्ति भी राष्ट्रपति जो करते हैं ना, प्रयोग वास्तव अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे, किस आर्टिकल में कहा गया, तो 53 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी बहुत बार पूछा है, राष्ट्रपति में आपको महाभियोग चलाना होगा, मान चलो को हटाना है, महाभियोग चलाना है, तो किस अकॉर्डिंग, आर्टिकल 61। ठीक है ना, आर्टिकल 60 नहीं तो 61, यह आपका ऑप्शन रहता है, आई थिंक इसमें ऑप्शन 61, भारत के राष्ट्र पर महाभियोग चलाते हैं तो आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग, मुझे इसमें कुछ डाउट रहा है, क्योंकि 60 भी आपका है, भारत के राष्ट्रपति महाभियोग लगा अनुच्छेद 60 होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, यदि 60 ऑप्शन में नहीं होंगे तो 61 कर दीजिएगा। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 63, तो उपराष्ट्रपति पद का, उपराष्ट्रपति बोलेगा तो 63 याद रखिएगा, राष्ट्रपति बोलेगा तो 52। ठीक
ठीक है ना। और 74 बोलेगा कब, जब प्रधानमंत्री का पद के बारे में कहा जाए, तो उपराष्ट्रपति का पद 63 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, यानी कि मंत्रीगण जो है अनुच्छेद 74 के 75, तो अनुच्छेद 75, ठीक है, 75 मंत्रीगण के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान किस अनुच्छेद में बंधित है, अनुच्छेद 137 के 138, तो अनुच्छेद 137, ठीक है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, अनुच्छेद 143 से 123, तो अनुच्छेद 143, ओके। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय संविधान की परामर्श ले सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के लिए अनुच्छेद परामर्श ले सकते हैं, 143 के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है, यानी कि मंत्रिपरिषद के नियम के लिए, अनुच्छेद 75 की 32, तो अनुच्छेद 75, ठीक है। भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति किससे संबंधित है, महान्यायवादी यानी कि जो जज होते हैं भारत का, वो किस किसके अकॉर्डिंग नियुक्ति करता है, 76 या 63, तो आर्टिकल आपका 76, ठीक है। अब वैसे भी देखो ऑप्शन से हटाना सीखो, 63 क्या है, 63 तो आपका उपराष्ट्रपति के पद है, ये होगा नहीं, तो 76 बचा, और 69 में क्या है, लोकसभा राज्यसभा के बारे में बताया गया, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो 20 बचा, यानी कि 76 आर्टिकल, ठीक है ना, महान्यायवादी की नियुक्ति, ठीक है, याद रखिएगा। अब पूछता भी है कि जो भारत के महान्यायवादी हैं ना, उनका नियुक्ति करते हैं कि उनको चुनते हैं, निर्वाचन करते हैं, तो गाइज नियुक्ति करते हैं, याद रखिएगा। पूछता है राष्ट्रपति क्या करते हैं नियुक्ति, संविधान किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय पर न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, यानी कि अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर चलाना आपको, जो इंडिया का होता है ना सबसे हाई कोर्ट का, इंटरनेशनल सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि भारत का, भारत का कहाँ है आपको, राजधानी नई दिल्ली, नई दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान आपको अनुच्छेद 124 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 151 की 56, तो 124, ठीक है ना। अब कहते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देश प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 123, यानी भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश, उनके प्रति कोई आदेश जारी करना है, तो किस आर्टिकल अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 123, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है, 112 अनुच्छेद 146 अनुच्छेद 148 का 6, तो ये टोटल है, ठीक है ना, भारत के संचित कोष, याद रखिएगा, 112 146 48। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल के निर्वाचन का आलोक करता है, बोलता है ना कि 6 माह के अंतराल होता है आपके संसद के दो अधिवेशन के बीच, तो आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो 81 है ना गाइस, एक लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो लोकसभा के लिए आपका 81 और राज्यसभा के लिए 80, ठीक है, आर्टिकल होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई, तो अनुच्छेद 110, सभी लोगों को पता होगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में विशेष विषय में प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में पाया गया है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान, तो अनुच्छेद 108 में, ठीक है ना, याद रखिएगा। यदि आपको धन विधेयक याद रहेगा 110 में है, तो उससे दो बस कम होना है, यानी कि 108 में क्या है, लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान। नेक्स्ट है, चलिए आपका टोटल 38 ही क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि आपके आर्टिकल से हम बताएं, ये फिर मिक्स क्वेश्चन होने वाला है टेस्ट। ओके गाइस, तो इतना ही पर समाप्त करते हैं, यदि आपको इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, एंड इसी प्रकार के आप लोग हमसे डेली वीडियो का डिस्कशन चाहते हैं, और ऐसे गाइस आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, हर तरह का बताया हुआ भी है, विथ मैथ सॉल्यूशन भी पढ़ाया भी गया, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, मैथ साइंस इंग्लिश ऑल ऑफ सब्जेक्ट, और मैं जल्द ही फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ्स ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, तो थैंक यू फॉर दैट एंड टेक केयर, राधे कृष्ण सभी को।